हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में चर्चा होगी। भारत की प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है वो चावल है और भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो गेहूं है। गेहूं के बारे में अपन ने विगत क्लास के अंदर यानी कि अध्ययन किया है। चावल जिसे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कहलाती है और ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ऋषि विद्वान वेविलोव के अनुसार चावल का मूल स्थान है वो प्राचीन काल से ही भारत रहा है और यहाँ से लगभग 3000 ईसा पूर्व भी भारत और चीन के अंदर चावल की कृषि की जाती थी। चावल की कृषि है वो प्राचीन कई सभ्यताओं में भी इसका उल्लेख मिला है, जिसमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा समकालीन सभ्यताओं में भी चावल के अवशेष मिले हैं। वैदिक काल में चावल धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों के उपयोग में लिया जाता था। तो चावल है वो यानी कि जिसका संबंध प्राचीन समय से ही भारत में सिरा है और आज भी लगभग देश की 3/4 मनुष्यों का जो भोजन है वो चावल है। विश्व उत्पादन का लगभग 19% चावल भारत से प्राप्त होता है और भारत के कुल खाद्यान्न फसलों का लगभग 37% भाग में चावल बोया जाता है। चावल की भौगोलिक दशाएं की बात करें तो चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है, अर्थात यूँ कहें कि ये खरीफ की फसल है और इसमें तापमान है 20 से 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। वर्षा यानी 100 से 200 सेमी होती है की आवश्यकता होती है। यदि वर्षा नहीं है तो इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है और ये गहन सिंचाई के अंतर्गत आता है। सिंचाई के अंतर्गत यानी कि गहन सिंचाई है, गहन सिंचाई इसके लिए करनी पड़ती है। इसी प्रकार मिट्टी है वो इसमें जलोढ़ या चिकनी मिट्टी है या फिर डेल्टाई क्षेत्रों की मिट्टी है, डेल्टाई तटवर्तीय जो मिट्टी है उस वो इनके लिए उपयुक्त रहती है। यानी भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों के अंदर भी चावल की कृषि की जाती है। धरातल इनका समतल होना चाहिए। हालांकि भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भी यानी कि पहाड़ी ढलानों के अंदर कृषि की जाती है या पहाड़ी ढालों के अंदर कृषि की जाती है। और जैसे असम है या वो जो पूर्वोत्तर है पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों के अंदर चावल है वो पहाड़ी ढालों पर भी की जाती है। श्रमिक की बात करें तो चावल बोने व काटने के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत के अंदर जो श्रमिक शक्ति है वो क्या है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ श्रमिक शक्ति है वो पर्याप्त यानी कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसीलिए भारत के अंदर चावल की कृषि करने के लिए कुछ यानी सहूलियत भी रहती है। इसके अलावा चावल जो बोने का तरीका है चावल बोने के तीन तरीके हैं, तीन विधियां हैं जिसको कह सकते हैं। तीन विधियां होती है जिसमें एक होता है रोपण विधि से चावल बोया जाता है और अधिकांश भारत के अंदर रोपण विधि से ही चावल बोया जाता है। इसके छोटे पौधे होते हैं नर्सरी के, उसको एक या यानी कि आधे फीट पानी के अंदर बोया जाता है और इस रोपण विधि को बोने के लिए ज़्यादातर श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और दूसरी है छिड़काव विधि है, ये ज़्यादातर पहाड़ी ढालों के अंदर काम में ली जाती है। जहाँ पहाड़ी भाग है, ढलानी भाग है, उसमें छिड़काव विधि काम में ली जाती है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर।
और तीसरी है हल चलाकर। हल चलाकर, तो हल चलाकर अब इस विधि का उपयोग लगभग नगण्य होता है, लेकिन चावल ज़्यादातर रोपण विधि से बोया जाता है, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर छिड़काव विधि से भी बोया जाता है। तो इस प्रकार चावल बोने की यानी कि तीन विधियां हैं, और चावल की तीन किस्में होती है, तीन तरह की यानी फसलें होती है, जिसमें अमन, पोष एवं बोरो। अमन, पोष एवं बोरो। भारत में सर्वाधिक जो फसल है वो अमन बोई जाती है। अमन भारत में सर्वाधिक, ये सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, खरीफ की फसल के तौर पर बोई जाती है इसको, यानी कि शीतकालीन फसल भी कह सकते हैं, और सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है वो अमन है। और भारत के अंदर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर अमन, ओष और बोरो, ये तीनों फसलें बोई जाती है। तीनों फसलें हैं वो पश्चिम बंगाल के अंदर बोई जाती है। इसके अलावा इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम बंगाल है वो सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में भी चावल की कृषि की जाती है। यहाँ जो असम है, असम और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इसमें भी चावल की कृषि की जाती है। यहाँ जैसे दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, इसमें चावल की कृषि की जाती है। इसके साथ साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में भी की जाती है। यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, इनके अलावा भारत का ये जो तटीय क्षेत्र है, डेल्टाई तटीय क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र, ये जो डेल्टाई तटवर्तीय क्षेत्र है इसमें भी चावल की कृषि की जाती है। चावल यहाँ पे बोया जाता है। पश्चिमी घाट के अंदर ये जो गौण उत्पादन क्षेत्र है, इसमें पश्चिमी घाट में भी तमिलनाडु और इसका जो कर्नाटक का है या केरल है, महाराष्ट्र गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है इसमें भी चावल बोया जाता है। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन हिमाचल, इन क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन होता है, लेकिन मुख्यतः उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के अंदर चावल का उत्पादन अधिक होता है। और चावल उत्पन्न में विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन, सर्वाधिक चावल का उत्पादन है, सर्वाधिक चावल का उत्पादन है वो चीन करता है, और भारत है वो दूसरे स्थान पर है। भारत दूसरे स्थान पर है, यानी विश्व के अंदर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला चावल जो है वो चीन है, और दूसरा स्थान है वो भारत का है। लेकिन निर्यात की दृष्टि से देखें तो भारत है वो निर्यात की दृष्टि से विश्व के अंदर अव्वल है, यानी सर्वाधिक चावल का निर्यात करता है। और ये निर्यात ज़्यादातर यानी कि पश्चिमी यूरोपीय देशों या मध्य एशियाई देशों के अंदर इनका निर्यात किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी चावल का निर्यात भारत है वो किया जाता है। तो इस प्रकार चावल है वो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो चीन के बाद में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, और चावल के अंदर यानी कि खेरा यानी कि एक रोग होता है जो चावल के अंदर लग जाता है, जो इसका प्रमुख रोग है, इसकी वजह से भी इनका उत्पादन प्रभावित होता है। जब से भारत में हरित क्रांति आई 1967 और 67 में, उसके बाद में चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव है वो गेहूं पर पड़ा और दूसरा चावल पर पड़ा है। चावल के अंदर भारत में जो किस्में हैं, भारत में चावल 200 यानी चावल की 200 किस्में हैं, और निम्न भूमि चावल की फसल को स्वादिष्ट यानी कि बनाती है, या इसके लिए जो निम्न भूमि है वो चावल की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। प्रति हेक्टर उत्पादन भी अधिक होता है। भारत का अधिकांश चावल दलदली और निम्न भूमि में ही उत्पादित होता है।
जैसे जो समुद्री तटवर्तीय क्षेत्र है या पश्चिम बंगाल का नदी बेसिन क्षेत्र है, उच्च भूमि है। ये चावल का यानी कि पौधा उच्च भूमि में छोटा होता है, दाना भी छोटा होता है और उच्च भूमि में उत्पादित जो चावल है उसका रंग लाल होता है और ये थोड़ी सी वर्षा में उग जाता है, जल्दी पककर तैयार हो जाता है, जो सख्त और खाने में भी कम स्वादिष्ट होता है। तो भारत में जो चावल का उत्पादन निम्न भूमि और उच्च भूमि दोनों क्षेत्रों में होता है। निम्न भूमि जो दलदलीय भूमि है उसमें उत्पादित होने वाला चावल है वो स्वादिष्ट होता है, दाना भी बड़ा होता है और उच्च भूमि है वो जो कम वर्षा के अंदर चावल तैयार होता है उसका दाना छोटा होता है और यानी लाल रंग का कम स्वादिष्ट होता है। उत्पादित क्षेत्रों के अंदर जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल देश का 14% चावल क्षेत्र इसमें पड़ता है और यानी राज्य के हर जिले के अंदर कृषि भूमि का 70% से अधिक क्षेत्र में चावल की कृषि होती है। यानी पश्चिम बंगाल में लगभग 70% से अधिक भूमि पर चावल की कृषि होती है। कुल उत्पादन में 75% अमन की फसल से प्राप्त होता है। इनके मुख्य जो उत्पादक जिले हैं पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बांगुड़ा, मिदनापुर और दार्जिलिंग, जहाँ अमन की फसल से चावल का उत्पन्न होता है। इसके अलावा अमन के अलावा ओश और बोरो की फसल भी पाई जाती है। यानी पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ चावल की तीनों फसलें अमन, ओश और बोरो तीनों यानी पाई जाती है। बाढ़ की उपजाऊ मिट्टी के कारण खाद की कम आवश्यकता रहती है पश्चिम बंगाल के अंदर, इसीलिए वहाँ चावल का उत्पादन भी अधिक होता है। उत्तर प्रदेश में भी हरित क्रांति के पश्चात चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यहाँ देश का 6 से 8% चावल का उत्पादन होता है जो अब बढ़कर के लगभग 12-13% हो गया है। और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ, बर्राइस, गोंडा, बलिया, रायबरेली, पीलीभीत आदि ऐसे ज़िले हैं जो प्रमुख रूप से चावल का उत्पादन करते हैं। पश्चिमी जिलों में सिंचाई की सहायता से चावल की कृषि की जाती है। आंध्र प्रदेश में चावल का उत्पादन यानी कि अधिक मात्रा में होता है और देश का तीसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। ये लगभग 11% यहाँ चावल का उत्पादन होता है। पंजाब में भी चावल का उत्पादन हरित क्रांति के बाद में होने लगा है और यहाँ प्रति हेक्टर की उत्पादन करें तो सर्वाधिक प्रति हेक्टर चावल का उत्पादन है वो पंजाब में होता है और प्रति हेक्टर उत्पादन में पंजाब राज्य है वो प्रथम स्थान पर है। बिहार में भी एक वर्ष में चावल की दो फसलें पैदा की जाती है और कुल भूमि के 40% भाग पर बिहार में चावल उगाया जाता है। बिहार में सारण, चंपारण, गया, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया आदि जिलों में धान पैदा होता है यानी चावल उत्पादित होता है। तमिलनाडु इस राज्य में देश के कुल चावल उत्पादन में यानी 10% की भागीदारी है और कावेरी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में तंजावुर जिला है तमिलनाडु का, वो लगभग तमिलनाडु का 25% चावल का उत्पादन करता है। यानी तमिलनाडु के अंदर तंजावुर जिला है वो चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है और इसे प्राय चावल का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा है वो छत्तीसगढ़ के मैदान को कहते हैं, वहाँ पर चावल बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। छत्तीसगढ़ के अंदर बिलासपुर, बस्तर, सरगुंजा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, नारायणपुर आदि प्रमुख उत्पादन जिले हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी राज्य की कुल कृषि भूमि का 14% भाग पर चावल उगाया जाता है। यहाँ नर्मदा और तापी नदी की घाटियों में चावल की कृषि होती है। देश में सबसे कम
प्रति हेक्टर उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में होता है। उड़ीसा में भी कुल कृषि भूमि का 58% भाग पर चावल उगाया जाता है। उड़ीसा में बालासोर, कटक, पुरी, मयूरभंज, कालाहांडी आदि चावल के उत्पादित ज़िले हैं। और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। राजस्थान में भी दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान जैसे डूंगरपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में चावल की फसल पैदा होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, केरल, मेघालय, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में भी चावल का उत्पादन होता है। तो भारत में चावल का उत्पादन है मुख्यतः 4-5 राज्यों के अंदर होता है। और तमिलनाडु का तंजावुर जिला है जो चावल उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। चावल में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक विज्ञान की सहायता से बीटा कैरोटीन युक्त पीले चावल का निर्माण किया है। बीटा कैरोटीन युक्त यानी चावल में विटामिन की कमी को दूर करने के लिए, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए बीटा कैरोटीन नामक चावल का यानी उत्पादन किया है। बीटा कैरोटीन, ये जो बीटा कैरोटीन चावल है इसमें आनुवांशिक विज्ञान की सहायता से इस किस्म का विकास किया है और इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, इसीलिए इसका रंग पीला होता है। इसे गोल्डन राइस कहते हैं। गोल्डन राइस यानी इसे गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है, पीले चावल के नाम से जाना जाता है। इसमें विटामिन ए की अधिकता होती है और चावल के अंदर यानी कि कुछ ऐसे देश हैं जैसे जापान है, फिलीपींस है, जहाँ चावल का उत्पादन डपोक विधि से किया जाता है। यानी जापान और फिलीपींस के अंदर चावल का उत्पादन डपोक विधि से भी किया जाता है। चावल के उत्पादन में भारत है वो चीन के पश्चात दूसरे स्थान पर है। और धान के फलों उत्पादन में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरकों के रूप में अजूला और नील हरित शैवाल का भी उपयोग किया जाता है। चावल निर्यातक देशों के अंदर भारत है वो विश्व में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद में थाईलैंड और वियतनाम का स्थान आता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 76% होती है जो सर्वाधिक होती है, जबकि प्रोटीन 6-7% होता है, वसा 2.5% होती है। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति है वो जया थी। यानी भारत के कृषि निदेशालय द्वारा चावल की प्रथम किस्म थी बोनी किस्म जो जया थी। और इसके अलावा जो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के यानी प्रथम दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना है वो वाराणसी में की जाने की अनुमति मिली है। और कुछ एक यानी कि पॉलिश किए हुए चावल की ऊपरी परत में विटामिन बी का अभाव पाया जाता है। चावल को अधिक धोने से भी विटामिन बी है वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार चावल के अंदर जो सर्वाधिक प्रोटीन होता है वो विटामिन ए होता है और बीटा कैरोटीन नामक ऐसा पदार्थ है जिससे विटामिन
यानी ए है उसकी पूर्ति होती है। और इनके लिए यानी कि पीले चावल या गोल्डन राइस चावल का निर्माण भी किया गया है।